डीडीसीए की कंस्ट्रक्शन में जो घोटाला हुआ उसके बारे में। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? अरुण जेटली जी चिट्ठी लिखकर कहते हैं, मैं अभी ये पढ़ के आपको सुनाऊंगा, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आजाद को, और लिखकर कहते हैं, वी कॉन्शियसली गॉट आर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय ईपीआईएल। ईपीआईएल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बहुत अच्छा। वी कॉन्शियसली गॉट आर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय ईपीआईएल अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शंस विद पब्लिक सेक्टर कंपनी आर अबव बोर्ड। हमारे पास जो दस्तावेज है वो दिखाते हैं कि ईपीआईएल को केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। 114 करोड़ रुपए में से ईपीआईएल जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। बाकी 57 करोड़ रुपए कहां गए? बाकी 57 करोड़ रुपए कैसे साइफन ऑफ हुए? किन कंपनियों को दिए गए? इसका जवाब दें जेटली जी। 1,55,00,000 का लोन डीडीसीए 3 कंपनियों को देता है, विधान इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैपल इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। जब पूछा जाता है उनसे कि ये क्या पैसा दिया गया, ना अध्यक्ष उसका जवाब दे पाते हैं जो प्रेसिडेंट डीडीसीए के, ना जनरल सेक्रेटरी उसका जवाब दे पाते हैं। दो बातें कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे पहले अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाइए। आप लोगों ने कहा था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मनमोहन सिंह को कहा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 2G घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा। या तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सबूत दे रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी ये सबूत जारी कर रही है सारे, जिससे साबित होता है कि अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ। आज हम डिमांड करते हैं मोदी जी से कि अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाएं। और दूसरी चीज, ये जो तमाम भ्रष्टाचार हुआ है इसमें कई भ्रष्टाचार फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी है, फाइनेंशियल इंप्रोप्राइटीज भी है। कहीं ना कहीं इसकी जांच का तंत्र माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के अंडर आता है। वे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, तो यह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा होता है। यदि जेटली जी के ऊपर ही जांच बैठनी है, यदि जेटली जी की अध्यक्षता में जो डीडीसीए 15 साल में जो भ्रष्टाचार चला उस पर जांच बैठनी है, तो जेटली जी की एजेंसियां कैसे उसकी जांच कर सकती हैं, यह जनता को बताया।